ओके लेट स्टार्ट अब हम आपको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आज जो है डे वन और डेली बेसिस पे सेवन डेज आपकी ट्रेनिंग होगी सेवन डेज ट्रेनिंग के अंदर आपके सेवन डेज में दो सेशंस होंगे इट मींस कि टोटल फोर्टीन सेशंस हैं जो सेशंस होंगे उसमें जैसे वन सेशन का अगर हम डिस्क्राइब करें तो वन आवर की जो होगी आपकी ट्रेनिंग ओके okay? देन हाफ एन आवर जो होगा आपका प्रैक्टिकल सेशन जो भी हमने ट्रेनिंग सेशन के दौरान किया है उसको हम प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस करेंगे अपनी एक पेपर मिलेगा उसको आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे उसके बीच में कोई आपके डाउट्स होंगे तो वहीं पे आप उसको क्लैरिफाई कर लेंगे आफ्टर दैट हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसके आपको आंसर्स देने हैं उसके बीच में अगर आपको कोई क्वेरीज आती है तो वो आप उसी टाइम पर पूछ सकते हो ठीक है तो टोटल प्रोडक्टिव सेशन होगा दैट विल बी टू आवर्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बिजनेस अकाउंटिंग बिजनेस अकाउंटिंग बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर हम ये डिस्क्राइब करने वाले हैं कि बिज़नेस अकाउंटिंग क्या है इसका क्या रोल है और हमें जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है बिज़ी के ऊपर हो रही है तो जो बिजनेस अकाउंटिंग का हमारा रोल है उसका बिज़ी के लिए क्या रेलिवेंस है बिजनेस अकाउंटिंग और बिज़ी दोनों के अंदर क्या रेलिवेंस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस अकाउंटिंग बिजनेस अकाउंटिंग का पर्पज़ क्या होता है आज हम में से सब लोग जो भी बिज़नेस कर रहे हैं वो उसका मेन मोटिव क्या होता है दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट बट प्रॉफ़िट को अर्न करने के लिए हमारे पास कुछ सर्कमस्टांसिस होनी चाहिए कुछ सिचुएशंस होनी चाहिए कि किस बेसिस पे हम अपना प्रॉफिट को एनालाइज़ कर सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है तो उसके लिए जो बेसिक टर्म होती है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना जो भी हमारा डेली एक्टिविटीज़ में हम सेल करते हैं परचेस करते हैं मेरे जो एक्सपेंसेस हैं इनकम है उन सबको रिकॉर्ड करना ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है लेट से कि मैं एक बिज़नेस रन कर रही हूँ तो मेरा पर्पस क्या है प्रॉफिट अर्न करना तो उस बिज़नेस को अर्न करने के लिए मुझे क्या 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 मेनटेन करना है मैंने कितनी उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करी है कितना मैंने उसके अंदर कैश लगाया है और उसके लिए मेरे पास क्या एसेट्स हैं क्या मैंने परचेज करा और क्या मैंने सेल करा है उन सबको रिकॉर्ड करना सो so, अगर मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूँ कि वॉट इज़ अकाउंटिंग तो व्हाट इज़ दैट इट इज़ एन आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग समराइजिंग रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन्स जो मेरी ट्रांजेक्शन्स हो रही है डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही है उन सबको रिकॉर्ड करना एनालाइज़ करना क्वेश्चन ये है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है ये सारे काम तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं मैनुअल हम क्या करते हैं अपने लेजर्स मेंटेन करते हैं एंट्रीज करते हैं उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग करते हैं तो ये सारे काम तो हम उसमें भी कर सकते हैं बट उससे क्या होता है वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है उसके अंदर डेटा मेंटेन जैसे हमें पोस्टिंग हर एक स्टेज पर करनी होती है पहले मैंने एंट्री करी डेली बेसिस पर एंट्री करी जर्नल बनाए लेजर्स बनाए उसके अकाउंट ट्रायल बैलेंस बनाया फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया बैलेंस शीट बनाई तो ये बहुत सारी प्रोसेसिंग होगी ना बट अगर हम इसके कंपैरिजन एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा मुझे बस एक एंट्री पास ऑन करनी है ठीक है और एंट्री पास ऑन करने पर उसकी पोस्टिंग अलग अलग लेजर्स में हो जाएगी ठीक है मैंने लेजर मेंटेन करा मैंने सेल का वाउचर चढ़ाया तो मुझे पता लग जाएगा कि सेल के लेजर में चला गया सेल की रिपोर्ट्स मुझे दिखाई दे जाएगी उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रायल बैलेंस चेक कर सकती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस देख सकती हूँ और उसके बाद मैं बैलेंस शीट चेक कर सकती हूँ तो वो क्या है मेरा डेटा को मेनटेन प्रॉपरली इजी वे में और फास्टली हो जाता है तो इसके लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है ठीक है अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो है उसका क्या पर्पज़ है मेरा बेसिकली मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को क्यों यूज़ कर रही हूँ जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि हम उससे कई सारे रिपोर्ट्स को मैंटेन करें कर सकते हैं मैंने डेटा मेंटेन करा मैंने परचेज सेल इन सब के वाउचर्स एंटर करें तो मेरे पास सारे एक सिंगल क्लिक करा मुझे जितनी रिपोर्ट्स देखनी है मैं सारी रिपोर्ट्स को ईजिली देख सकती हूँ फर्स्ट बेनिफिट ये हो गया ठीक है अब हम जब डेली एक्टिविटीज़ में काम करते हैं मैंने एंटर करा मैंने कहा कि मैंने गुड्स परचेज करी है तो मैंने एंट्री डाल दी परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी ठीक है तो इससे क्या हुआ मैंने कहा मैंने परचेज़ करी थी टू लैक की बट एंटर करते टाइम मैंने यहाँ ऊपर टू लैख लिख दिया नीचे ट्वेंटी थाउजेंड लिख दिया तो वो क्या होगा उसमें कहीं भी कोई पॉपअप नहीं आएगा कोई एरर का पता नहीं लगेगा मैंने ऊपर टू लैख लिखा यहाँ ट्वेंटी थाउजेंड लिख दिया तो उससे क्या हुआ मुझे पता ही नहीं लगा कि क्या अ, मेरा ठीक है या गलत है बाय मिस्टेक मैंने उसको एंटर कर दिया जब लास्ट में मेरा ट्रायल बैलेंस मिलेगा तो मेरे को पता लगेगा कि मेरी जो एसेट साइट है मेरी डेबिट साइट और क्रेडिट साइड मैच नहीं कर रही तो इट मीन्स कि दोनों में कहीं फ्लॉज है तो उसके लिए मुझे पूरा चेक करना पड़ेगा इसका क्या बेनिफिट होगा अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हूँ तो उससे क्या बेनिफिट होगा मैंने डेबिट में डाला टू लाख और क्रेडिट में डाला ट्वेंटी थाउजेंड जब हम सेव करेंगे तो मैसेज आ जाएगा कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड मस्ट मैच तो एरर के चांसेस कम होते हैं डेटा मेरा प्रॉपर्ली एक्यूरेट होता है मैं उस डेटा के ऊपर रिलाई कर सकती हूँ ठीक है जो मेरा डेटा है उसमें मैं रिलाय कर सकती हूँ कि जो मैंने डेटा एंटर किया हुआ है दैट इज़ कंप्लीटली ओके उसके अकॉर्डिंग से रिपोर्ट्स आएगी वो भी परफेक्ट है अगर मैंने डेटा एंटर किया हुआ है अकॉर्डिंगली तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी रिपोर्ट्स हैं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेल रजिस्टर एम आई एस रिपोर्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट वो सारी की सारी रिपोर्ट्स मेरी कंप्लीटली ओके okay है उसे बेसिकली क्या होता है अब जैसे मैंने सेल का वाउचर बनाया सेल का वाउचर बनाने पर कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि मुझे उसके अंदर सेल के वाउचर में आइटम्स को नहीं दिखाना मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका अकाउंटिंग इफेक्ट करना है तो मैं सेल का वाउचर जो मैंने एंटर करा हुआ है मैं उसको प्रिंट कर सकती हूँ सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर कुछ कस्टमर्स कहते हैं मुझे अकाउंटिंग वाउचर नहीं देखना मुझे प्रॉपर देखना है कि इन्वेंट्री मेरी कितनी पास ऑन हुई है कितना मेरा उसकी कॉस्टिंग है कितनी मेरे उस पर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगे हैं तो अगर मुझे इन्वेंट्री वाउचर निकालना है तो मैं इन्वेंट्री वाउचर निकाल सकती हूँ तो एक वाउचर जनरेट करने से मल्टीपल इन्वाइस जो है हम उसमें प्रिंट आउट कर सकते हैं ठीक है ठीके? नेक्स्ट जो भी हम वाउचर्स एंटर कर रहे हैं उसके अंदर मुझे प्रॉपर वैट की रिपोर्ट्स और अदर रिपोर्ट्स नेचुरल रिपोर्ट्स लाइक की एक्साइज हम यूज़ कर रहे हैं सर्विस टेक्स यूज़ कर रहे हैं वैट यूज़ कर रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट साथ साथ मेंटेन हो जाती है ऐसा नहीं है कि मुझे वैट के लिए अलग से एंट्रीज जाननी पड़ेगी जब मैं परचेज़ कर रही हूँ और सेल कर रही हूँ तो उसमें वैट चार्ज हो रहा है मेरा मेरा कितना इनपुट है कितना आउटपुट है वो सब कुछ क्लेम कर सकते हैं हम और वो सारी रिपोर्ट्स मेरी प्रॉपर्ली मेंटेन हो जाएगी परचेज़ में और सेल में उसके अकॉर्डिंग मेरी वैट मेंटेन हो गया वैट मेंटेन होते के साथ जो है मेरी वैट की रिपोर्ट बैकेंड के अंदर सारी बनती जा रही है मुझे कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़े दैट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ठीक है अब हम जब एंटर कर रहे हैं हमारे पास क्या हो रहा है एक कस्टमर गुड्स परचेस करने के लिए आ रहा है और हम सेल कर रहे हैं अगर वो कस्टमर हमारे पास आ रहा है हम उसको मैनुअली एंटर कर रहे हैं मैनुअली उनको बिल बना कर दे रहे हैं तो दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेरे पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है बहुत क्राउडेड प्लेस हो गया है अब मैं वहाँ पे एंट्रीज कर रही हूँ और उसमें क्या उसमें क्या हो रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है कस्टमर इरिटेट होंगे कि ऑलरेडी इतनी भीड़ है और टाइम कंज्यूम हो रहा है तो बेसिकली जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का बेनिफिट क्या होता है इसके अंदर सारी स्कैनिंग प्रोसेस होती है ईज़ीली जो है हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन डाल सकते हैं बिना किसी एफिशेंसी को कॉम्प्रोमाइज़ करे हुए स्पीड का कोई रेलिवेंस नहीं है इजीली हम बहुत जल्दी जल्दी जो है उनमें बिल्स बना सकते हैं तो वो हमारा बहुत अच्छा बेनिफिट है इसके अंदर कि क्यों हमें कम्प्यूटर्ज अकाउंटिंग का यूज़ करना चाहिए ठीक है और जो हमारी रिवेन्यू होती है ना वो इनक्रूज इंक्रीज़ होती है और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है अब क्या है इसका मीनिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मीनस है ऑपरेटिंग कॉस्ट इन देंस कि जैसे लेट्स से कि मैंने एक अकाउंटेंट को हायर करा हुआ है ठीक है एक पर्सन एंट्रीज चढ़ा रहा है ठीक है और एक पर्सन उसको चेकिंग कर रहा है फिर वो टैक्स डिपार्टमेंट के पास चेकिंग के लिए जा रहा है तो कितने सारे उसके अंदर पर्सन इन्वॉल्व हो गए अगर मैं एक सॉफ्टवेयर की बात करती हूँ तो सॉफ्टवेयर यूज़ करने में हम जब बिजी को यूज़ कर रहे हैं या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल हम एंट्रीज डालते जा रहे हैं उसके अंदर रिपोर्ट्स मेंटेन हो रही है फाइनल काम क्या होगा सिर्फ इन रिपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक सी ए की जरूरत पड़ेगी है एक अकाउंटेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मोस्टली सारी रिपोर्ट हमारी बैंकेंड के अंदर चेक हो जाती है तो सिर्फ हमें एक सी ए की ज़रूरत है जो कि उस रिपोर्ट जैसे अब हमने क्या करा उन रिपोर्ट्स को सेंड कर दिया और जो सी ए है वो उसमें चेकिंग कर लेंगे अब लेकिन अगर हम बात करें एक ले मैन की जब हम मैनुअल अकाउंटिंग को मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर कई सारे पर्सनस इन्वॉल्व होते हैं जिससे जो उनकी कॉस्टिंग है वो इंक्रीज होती है जिससे हमारी रिवेन्यू कम होती है तो उस रिवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें इसके लिए सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं क्लियर है अभी हमने पढ़ा बिजनेस अकाउंटिंग हमारा जो कॉन्सेप्ट था बिजनेस अकाउंटिंग तो बिजनेस अकाउंटिंग का पर्पस हमने डिस्कस किया कि बेसिकली कि क्या होता है प्रॉफिट को अर्न करना उसके लिए हमें सब चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती है सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है ठीक है तो उसके अंदर उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक अकाउंट्स के टर्म्स होती है जिसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए ठीक है अब हम इसके साथ साथ कई सारी चीज़ें यूज़ करेंगे जैसे जो बेसिक अकाउंटिंग जो होती है उनमें तीन कॉन्सेप्ट होते हैं गोल्डन रूल्स ठीक है तो उन गोल्डन रूल्स को हमें एनालाइज करना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है क्या हमारा इन हो रहा है क्या हमारा आउट हो रहा है उन टर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी लेट्स से कि मैंने गुड्स को परचेज करा है ठीक है जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो क्या एंट्री डालते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अब इसमें हमारे पास दो कन्सेप्ट आए एक तो डेबिट हो गया और एक क्रेडिट तो ये डेबिट और क्रेडिट क्या है ठीक है तो उसके लिए हम डेबिट और क्रेडिट के, के कंसेप्ट को पढ़ने के लिए हम तीन गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे वो हमारा इस टॉपिक के बाद डिस्कस होगा ठीक है उस गोल्डन रूल्स में आपको पता लग जाएगा डेबिट और क्रेडिट में क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास कोई स्टॉक आ रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे डेबिट हमारी तरफ से कोई इन्वेंट्री जा रही है तो वो क्या हो जाएगी क्रेडिट ठीक है हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो भी हमारे एक्सपेंस इनकर्ड हो रहे हैं या हमारे जो लॉसेस हैं वो हमारे क्या होते हैं डेबिट अपोजिटली जो हमारे इनकम है और जो गेंस है वो हमारे क्या होते हैं क्रेडिट तो उसके हिसाब से हमें कैटेराइज करना है क्या हमारा डेबिट होना है और क्या हमारा क्रेडिट इसके अकॉर्डिंग जो हमारे लेजर बैलेंसेज हैं किससे वो बढ़ेंगे और किससे वो घटेंगे ठीक है अब हम बात करते हैं डेटर्स तो डेटर्स हमारे कौन से होते हैं जिनको हम गुड्स सेल करते हैं गुड सेल करते हैं इट मीन्स कि जिनसे हमारे पास पैसा आ रहा है जिनसे हमें पैसा मिलना है क्लियर है क्रेडिटर्स जिनसे हम गुड्स को परचेज करते हैं जिन्हें हमें पैसा देना है हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वी हैव टू पे मनी वी आर ओपलाइज टू पे मनी दैट इज़ आवर क्रेडिटर्स ये मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ जिससे आपको डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर अगर हमारे नॉर्मल जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें भी सिंपल समझ में आ जाए मैंने अगर सेल करा तो उनसे मुझे पैसा लेना पैसा जो है लेना होता है ना मैंने आपको अगर कुछ सेल कर रही हूँ तो आप मुझे पैसे दोगे तो दे आर माई डेटर्स और मुझे अगर आपको पैसा देना है तो आप मेरे लिए क्या होगे क्रेडिटर्स ठीक है नेक्स्ट है कैपिटल तो कैपिटल में क्या होता है मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा बिजनेस क्या होती है एक सेपरेट एंटिटी है और जो ऑनर है दैट इज़ अ सेपरेट एंटिटी अगर मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करा है ए बी सी लिमिटेड ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड तो आई एम डिफरेंट एंड ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड इज डिफरेंट मैंने अगर अपने बिजनेस के अंदर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करी है तो मैं सेपरेट एंटिटी हूँ और मेरी कंपनी सेपरेट एंटिटी है मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने अगर पैसा अपने कंपनी में लगाया तो वो मैंने ही अपना ही लगाया अगर मैं कंपनी के में पैसा लगा रही हूँ तो कंपनी इज ऑप्लाइज टू पे मी बैक ठीक है तो ये क्या कर रही हूँ मैं कंपनी को दे रही हूं तो उसमें कंपनी रिस्पॉन्सिबल है कि वो मुझे पैसे वो वापस देगी ठीक है तो इसलिए हम उसको लिंकअप नहीं कर सकते कैपिटल जो होता है एक पार्ट होता है जो हम अपनी अप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं एसेट्स क्या होती है जो हमारी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो टाइप की हमारी एसेट्स होती है करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स ठीक है जो करंट एसेट्स होती है वो हमारी विद इन द पीरियड जो है कैश में कन्वर्टेबल होती है जो हमारे डेटर्स हो गए स्टॉक हो गया कैश हो गया बैंक हो गया ये जो होते हैं ट्वेल्व मंथ्स के अंदर जो है वो हमारे पास कन्वर्टेबल होते हैं और जो हमारी फिक्सड एसेट्स होती हैं फिक्सड एसेट्स का वापस होता है कि एक बार मैंने उसको परचेज कर लिया तो वो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ बिज़नेस में है ठीक है मैं अगर एक लैपटॉप परचेज कर रही हूँ तो वो मेरे पास मेरी कंपनी की एसेट्स हो जाएगी ठीक है तो एसेट्स का मतलब क्या होता है हमारी कंपनी के लिए जो लाइफ टाइम यूज़ होने वाली है जिससे हमें अपने बिजनेस को फर्निश करने में हेल्प मिलने वाली होती है और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं कि जिन्हें हमें जिन्हें हमें देना है लाइबिलिटीज़ क्या है वी आर ओब्लाइज टू पे तो जितना हमें देना है जैसे कि हमारे मैंने एक लोन ले लिया तो वो भी क्या है मेरी लाइबिलिटीज़ है मैंने बैंक से लोन लिया तो वो क्या है मेरी लाइबिलिटी है ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एन एल अकाउंट हम इन दोनों को पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली क्या होता है जो मेरी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कवर अप होते हैं और जो मेरे ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कवर अप होता है मैंने एक एक्सपेंस किया मेरी जो डायरेक्टली जैसे कि मैंने वेजेस पे कर दिए तो वो मेरे ट्रेडिंग के अंदर आएंगे लेकिन मेरे जो ऑफिस एक्सपेंसिज हैं वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएंगे जो भी मेरे डायरेक्टली खर्चे हो रहे हैं उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्री से जो रिलेटेड है वो मेरे सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मेरी परचेज़ आएगी मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे और सेल आएगी ठीक है उससे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा जो कि ग्रॉस प्रॉफिट हमें किस में कन्वर्ट करना है नेट प्रॉफिट के अंदर उस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए मुझे वो सारी कॉस्टिंग लेनी है कि जो मेरे बिजनेस के अंदर मैंने एक पेन भी प्रोड्यूस कर रहा है तो उस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे कितने ऑफिस एक्सपेंसेस लग गए उसके अंदर कितने एडवरटाइजमेंट एक्सपेंसेस लग गए तो उन सारे एक्सपेंसेस को शो करके ही तो मुझे नेट प्रॉफिट पता लगेगा ना ठीक है अगर हम बात करें कि मुझे एक पेन को प्रोड्यूस करना है तो एक पेन के अंदर मैंने कहा सीधा सीधा जो मेरा रॉ मटेरियल लग रहा है प्लास्टिक लग रहा है एक इंक लग रही है एक रिफ़िल लग रहा है तो ये सब हो गया मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर बट अगर मैं उसके अंदर बात करूं कि उसकी फिनिशिंग हो गई उसको हमने आगे डाई के लिए दिया जो भी उसके अंदर खर्चे मेरे एक्स्ट्रा ऑफिस रिलेटेड हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिज हो रहे हैं जैसे कि अगर मैं सैलरी भी जो पर्सन उसको बना रहा है हम उसको सैलरी भी तो दे रहे हैं ना तो उसकी जो इफेक्टिवली कॉस्ट आएगी वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या आता है परचेजेस ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाता है ठीक है अब इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो हमारा वही जो ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ होता है उसी को मुझे नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए सारे एक्सपेंसिस को फाइंड आउट करना है वो सारे एक्सपेंसिस को नोट करके नेट प्रॉफिट निकालना होता है ठीक है अब वो जो नेट प्रॉफिट होता है हमारी बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा ठीक है अब हम बात करते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है जो हमारे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताता है लेट से कि मेरा जो डेबिट है और क्रेडिट है ऑब्वियसली जो हमारी बैलेंस शीट होती है बैलेंस शीट में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताती है ना फाइनेंशियल पोजिशन हमारी क्या है तो जो ट्रायल बैलेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें ये बताते हैं कि हमारी कंपनी की जो हमारा बिज़नेस है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा डेबिट साइट है एसेट्स जो होती है हमारी डेबिट साइड होती है और लाइब्रिटीज़ हमारी क्रेडिट साइड्स होती है ठीक है तो वो दोनों अगर मैच करती है तो वो उससे हमें पता लगता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसमें बैलेंस शीट के अंदर सारी चीज़ें अगर हमारी मैच कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है तो उसके लिए पहले हम एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारा फाइनेंशियली रोता है फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च इन इंडिया ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगी ट्रायल बैलेंस के अंदर जो मेरे जितने भी लेजर्स हैं लेजर्स इन द सेंस कि जो मेरे अकाउंट्स हैं वेदर दे आर ऑफ एक्सपेंसेस और डेटर्स क्रेडिटर्स, जो भी मेरे लेजर्स हैं उन सब का ओपनिंग और क्लोजिंग जो मेरा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वो सारी मैच होनी चाहिए ठीक है अगर मेरी परचेजेज़ है और मेरे जो एक्सपेंसेस है वो सारे मेरे डेबिट साइड के अंदर नोटेड होंगे जो भी मेरी इनकम्स हो रही है और जो भी मेरे गेंस हो रहे हैं वो सारे मेरे क्रेडिट साइड के अंदर नोटेड डाउन होंगे तो वो दोनों चीज़ें मेरी मैच होनी चाहिए ट्रायल बैलेंस के अंदर ठीक है अब वो दोनों अगर मैच हो जाती है तो हम फिर बैलेंस शीट अपनी प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि जो हमारा बिज़नेस है वो सही पोजीशन पर चल रहा है या नहीं चल रहा अगर वो मैच नहीं हो रही इट मीन्स कि हमने कहीं कही ना कहीं कोई गलती करी हुई है ठीक है देन हमारा है स्टॉक अकाउंट स्टॉक क्या होता है हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर और ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की और ओपनिंग स्टॉक की बात करी थी तो वो स्टॉक क्या होता है स्टॉक वो चीज़ होती है जो हमारा जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं मैंने कहा कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक के दस पीस पड़े हुए हैं कोई भी एक आइटम है उसके दस पीस पड़े हैं मैंने परचेज कर लिए उसके अंदर पंद्रह पीस टोटल ट्वेंटी फाइव हो गए अब ट्वेंटी फाइव में से थर्टीन मैंने सेल आउट कर दिए तो मेरे पास कितने बच्चे अब ट्वेल्व पीसिस हैं दैट इज माई स्टॉक कि एट द एंड जो है मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि सेल आउट नहीं हुआ है वो मेरा क्या होता है स्टॉक क्लियर है कोई कंफ्यूजन हमने स्टार्टिंग में जो अभी बेसिक टर्म्स हम पढ़ रहे थे अकाउंट्स की तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था डेबिट एंड क्रेडिट ठीक है और मैंने उसको को किया था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग्स तो डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट समझने के लिए आपको ये तीन रूल्स पता होने चाहिए अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी अगर आपको ये तीन रूल्स में आपकी अच्छी कमांड है तो आप बिजी में परफेक्टली एंट्री कर सकते हो ठीक है डेबिट द रिसीवर तीन अकाउंट्स जो होते हैं हमारे पर्सनल रियल और नॉमिनल पर्सनल रियल और नॉमिनल पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं जिसमें पर्सनस इन्वॉल्व होते हैं ठीक है जिसमें हमारे पर्सनस इन्वॉल्व होते हैं लाइक like कि राम श्याम ये सारे हमारे केस में आ जाएंगे पर्सनल अकाउंट के अंदर ठीक है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर अगर उसे पैसा रिसीव हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा और उसके पास से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा ठीक है मैंने कहा कि कैश रिसीव फ्रॉम ए कैश हमें रिसीव्ड हुआ है ए से तो हमारे पास कैश आया है कैश अकाउंट डेबिट किससे आया है हमारे पास ए से कैश अकाउंट डेबिट टू ए तो ए क्या हो गया ए के पास से पैसा गया तो ए इज गिवर तो ए इसमें आएगा हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर ठीक है रियल अकाउंट्स के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो हमारी फिजिकली एग्जिस्ट करती है लेट्स से कि मैंने मशीनरी परचेज़ करी है या मैंने मशीनरी को सेल कराया है तो वो किस में आएगी हमारे रियल अकाउंट के अंदर जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और जिनको हम देख सकते हैं जैसे कि मैंने कहा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट मैंने मशीनरी परचेज करी तो परचेज करने पर मेरे पास आ गई तो परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश और पार्टी अगर मैंने पार्टी से लिया है तो पार्टी क्रेडिट हो जाएगी और कैश से लिया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा ठीक है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट मैंने कहा मेरी मशीनरी सेल आउट हो गई है सेल आउट हो गई तो क्या हो जाएगी वो क्रेडिट हो जाएगी ठीक है लास्ट डेबिट ऑल एक्सपेंसिज एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है जिसके अंदर हमारे जितने भी एक्सपेंसिस होते हैं और जितनी भी इनकम्स होती है उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए हम मेंटेन करते हैं ठीक है मैंने कहा कि मेरे एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे कुछ एक्सपेंसिज लगे हैं लेट से टेन थाउजेंड के तो एक्सपेंसिज अकाउंट डेबिट टू कैश तो एक्सपेंसेस क्या हुए मैं डेबिट हो गए और इसके अपोजिट मैं कहती हूँ कि मुझे इनकम हुई है तो क्या हो जाएगी इनकम क्रेडिट हो जाएगी क्लियर है कोई कंफ्यूजन तो जो बेसिक बिजनेस अकाउंटिंग है इसका कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है ठीक है नेक्स्ट अब है इंट्रोडक्शन टू बिजी बिजी के बारे में हमने अभी तक क्या सुना है कि हम जो है सारे डेटा को मेंटेन कर सकते हैं जो भी मेरी ट्रांजेक्शन्स है सेल हो रही है परचेज हो रही है जो मेरे एक्सपेंसिज हैं उन सबको मेंटेन कर सकते हैं हम ठीक है अब बिजी हमने क्यों यूज़ करा है उसके कुछ एडवांटेज है बेसिकली इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं ओपनली सारी चीज़ें उसमें मैंटेन्ड है यूज़र फ्रेंडली है इसके अंदर हम स्टैचूटरी रिपोर्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी हम रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं कि हमारी वैट समरी कितनी है कितना कंप्यूट हुआ है रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इज़िली हम उसको हैंडल कर सकते हैं ठीक है तो बेसिकली ये हमारा बिज़ी है अब बिज़ी के कितने एडिशन्स हैं तीन एडिशन्स हैं दैट इज़ बेसिक स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइजेस ठीक है बेसिक के तीन एडिशनस है दैट इज़ बेसिक स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइजेस बट इसके अंदर जो मॉड्यूल्स है वो टोटल इलेवन मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे सिंगल यूज़र ड्यूअल यूज़र एंड मल्टी यूज़र तो सिंगल यूज़र क्या है ड्यूअल यूजर क्या है मल्टी यूज़र क्या है ये हमें पता होना चाहिए अगर मेरे को एक ही सिस्टम पे बिजी को यूज़ करना है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे सिंगल यूज़र मैंने कहा कि एक ही लोकेशन के अंदर मुझे दो सिस्टम पे यूज़ करना है एक ही लोकेशन पर लैंड कनेक्टिविटी के थ्रू मुझे दो सिस्टम पे यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं ड्यूअल यूज़र ले लेंगे और उसके अंदर लैंड कनेक्टिविटी के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं अगर हम विद इन द प्रमिसेज हैं क्लियर है सेम वे में मुझे मल्टी यूज़र यूज़ करना है मैंने कहा मेरी एक ही कंपनी में काम होता है बट एक ही कंपनी के अंदर मेरे दस सिस्टम है पंद्रह सिस्टम है बीस सिस्टम्स हैं तो उन सब पे मुझे बिजी को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा मैंने एक लाइसेंस लिया बेसिक स्टैंडर्ड और एंटरप्राइजेस जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी बेसिक के अकॉर्डिंग है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या एंटरप्राइज के अकॉर्डिंग है तीनों में से जिसके भी अकॉर्डिंग है उसको मैं एडिशन को चूज़ करूंगी और मल्टी यूजर उसका ले लूंगी इट मे बी बी एम एस एम और ई एम मैंने वो लिया उसके अकॉर्डिंग मैंने एक सर्वर बना दिया और एक मेरा क्लाइंट हो गया ठीक है मल्टीपल क्लाइंट्स हो गए अगर मैं मल्टी यूज़र की बात कर रही हूँ तो लेट्स से कि ये मेरा सर्वर है मेरा डेटा इस लोकेशन पे रखा हुआ है अब मैंने कहा कि मुझे बाकी लोकेशंस पे डेटा नहीं रखना बाकी लोकेशंस पे इसी सिस्टम से डेटा को एक्सेस करना है तो वो मेरा कंसेप्ट होता है मल्टी यूज़र का ठीक है मैंने कहा कि मुझे विद इन द प्रमिसेस डेटा को एक्सेस करना है मेरा डेटा यहाँ रखा हुआ है मैंने यहाँ पात कर दिया सी ड्राइव के अंदर बिजी विन के अंदर डेटा फोल्डर के अंदर मेरा डेटा रखा हुआ है अब डेटा मेरा इसी लोकेशन पर है इफ़ यू ऑल कैन एक्सेस माई सिस्टम देन यू कैन एक्सेस द डेटा मेरे पास बी एम एस एम या ई एम का लाइसेंस है अब हम अलग अलग लोकेशन से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं ठीक है थीके? वो होता है मल्टी यूज़र बट इसकी जो मेन क्राइटेरिया है कि सेम लोकेशन पर होना चाहिए डिफरेंट लोकेशन पर हो तो आप मल्टी यूज़र को कंसेप्ट को यूज़ नहीं कर सकते हो तो ये जो हो गया हमारा एक बीच में फ्लॉ आ गया मैंने कहा कि मुझे अगर डिफरेंट लोकेशन पे यूज़ करना है मैंने कहा मेरी ब्रांच एक दिल्ली में एक मुंबई में है तो मेरे को मुंबई में यूज़ करना है तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँगा उसके लिए क्या मुझे डिफरेंट डेटा मेंटेन करने करना होगा ऑब्वियसली मेरा एक डेटा अगर दिल्ली में चल रहा है और मुंबई के अंदर भी मुझे उसी डेटा को एक्सेस करना है तब हम क्या करेंगे उसके लिए मुझे एक डिफरेंट मॉडल चाहिए होगा ना एक ऐसा एडिशन चाहिए होगा जिसके थ्रू मैं एक्सेस कर सकूं डेटा को मेरा दिल्ली के अंदर जो डेटा चल रहा है मुंबई में बैठे बैठे मैं उस डेटा को भी एक्सेस कर सकूं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा एक सर्वर उसके लिए मुझे एसक्यूएल को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना होगा क्लाइंट सर्वर एडिशन जो बिजी का है क्लाइंट सर्वर एडिशन परचेज़ करना होगा ये क्लाइंट सर्वर एडिशन बेसिक के अंदर अवेलेबल नहीं होता सिर्फ स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज के अंदर अवेलेबल है ठीक है स्टैंडर्ड एंटरप्राइज के अंदर हम क्लाइंट एडिशन लेंगे और उसके अंदर कोई डेटा डायरेक्टरी नहीं होती हमें पाथ सेट नहीं करना होता स्पेसिफिकली हमें अपने सर्वर की इन्फॉर्मेशन देनी होगी ठीक है और उस सर्वर की इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं अब मैंने बात की कि मल्टी यूजर के अंदर मुझे लैंड कनेक्टिविटी चाहिए तो जो सर्वर क्लाइंट है वो तो लैन में नहीं कर सक नहीं चल सकता क्योंकि लैन तो विद इन द प्रेमिस ही वर्क करेगी ना लोकल एरिया जो नेटवर्क है वो मेरा विद इन द प्रेमसेज चाहिए होगा बट अगर मुझे डिफरेंट लोकेशन पे चाहिए तो उसके लिए मुझे वैन कनेक्टिविटी चाहिए होगी स्टैटिक आई पी परचेज करनी होगी जिससे मैं डेटा को एक्सेस कर सकूँ ठीक है और स्टैटिक आई पी के थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं डिटेल में इसके किस तरीके से जाएंगे वो हम धीरे धीरे सीखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टॉलिंग बिज़ी तो बिज़ी इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि हमारे सिस्टम पे बिज़ी अवेलेबल तो नहीं है अगर हमारे पास बिज़ी अवेलेबल है तो हमारा फर्स्ट जो काम होगा वो उसके अंदर क्या होगा कि आपको कंट्रोल पैनल से बिज़ी को रिमूव करना है उससे प्रॉब्लम कई बार नहीं भी आती कि मान लीजिए अगर आपके पास बिज़ी का जो लेटेस्ट वर्ज़न सिक्सटीन चल रहा है अब सिक्सटीन का आपके पास कोई पुराना रिलीज़ चल रहा है आपने कंट्रोल पैनल में जाके उसको रिमूव नहीं करा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बट लेकिन एरर आ सकती है तो उससे बचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कंट्रोल पैनल में जाके एग्जिस्टिंग रिलीज़ को रिमूव कर दो तो और फिर नए वाले रिलीज़ को अपडेट कर दो तो, ठीक है बट लेकिन अभी हमने दो कंसेप्ट को यूज़ करा एक तो वर्ज़न और एक रिलीज़ तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्जन क्या होते हैं और रिलीज़ क्या होते हैं ठीक है थीके? हमारा जो पुराने रिलीज़ थे पहले वो डॉस बेस्ड था अब ये विंडोज़ बेस्ड है तो जो पुराने रिलीज थे 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 12, 14 और अब जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है दैट इज़ बिजी सिक्सटीन तो ऐसे हमारे जो है नए नए वर्जन उसके अंदर अपडेट होते जा रहे हैं वर्जनस का मतलब क्या होता है कि जब एक मेज़र चेंजेस आते हैं कुछ हम नया डेवलप करते हैं कोई नया मॉड्यूल्स बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम नए नए वर्जनस को टाइम टू टाइम उसको अपडेट कर करते जाते हैं ठीक है लेकिन मैंने कहा कि अब जैसे मेरा बिजी एक्सटीन चल रहा है बिजी एक्सटीन के अंदर कोई मेरा एक फ़ीचर है जो कि प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा तो उस जो फीचर मेरा प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा उसमें हो सकता है ना कि बिजी की तरफ से कोई फॉल्ट है कोई फ़्लॉ है अगर वो फ्लॉ है उसके अंदर तो उसके लिए हम क्या करते हैं नया रिलीज़ अपडेट करते हैं और जब नया रिलीज़ अपडेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने पुराने रिलीज़ को रिमूव करके नया रिलीज़ अपडेट कर देते हैं जो प्रॉब्लम हमारे एग्जिस्टिंग रिलीज के अंदर आ रही थी वो ठीक हो जाती है वो जो फ्लॉ होता है उसको हम नाम देते हैं बग तो जो भी हमें रेगुलर बेसिस पे बग रिसीव होते हैं हम उसको अपने अपडेटेड वर्जन के अंदर ठीक करवाते हैं ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया हमने दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा एक तो हमारा वर्ज़न और एक रिलीज़ तो वर्ज़न और रिलीज़ के साथ साथ ही हम पढ़ेंगे एक अपग्रेडेशन और अपडेट ठीक है जो हमारे वर्जन होते हैं मैंने 3.4 वर्जन में यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरा बहुत पुराना वर्जन है ठीक है अब मैं ये चाह रही हूँ कि बिजी 16 मुझे यूज़ करना है तो अगर मैं 3.4 से 16 वर्जन के अंदर आती हूँ तो मैं क्या करवाऊँगी अपग्रेड करवाऊँगी दैट इज़ कॉल्ड अपग्रेडेशन जब हम लोअर से हायर में जा रहे हैं तो वो अपग्रेडेशन हो जाएगा और एक वर्जन से दूसरे वर्जन में जा रहे हैं तो वो हमारा अपग्रेडेशन होता है बट इन द मीन वाइल मैं ये कह रही हूँ कि मुझे बिजी सिक्सटीन यूज़ कर रही हूँ और बिजी सिक्सटीन के अंदर मेरा टू पॉइंट जीरो रिलीज़ चल रहा है जो कि मेरा बहुत पुराना रिलीज़ है बिजी सिक्सटीन के अंदर ही मेरा जो रिलीज़ आ रहा है फ़ाइव पॉइंट फोर है इस टाइम पर मुझे फ़ाइव पॉइंट फोर अपडेट करना है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा बिजी सिक्सटीन के टू पॉइंट ज़ीरो से बिजी सिक्सटीन के 5.4 में मैं जा रही हूँ तो वो क्या होते हैं रिलीज़ अपडेशन ठीक है वो हमारा होता है रिलीज़ अपडेशन तो उस चीज़ के अंदर वो अपग्रेडेशन नहीं कहलाता है उसको हम बोलते हैं अपडेट कि बिज़ी का 16 रिलीज का नया अपडेट आ गया है ठीक है अब मैं बात कर रही हूँ कि मुझे अगर 3.4 से 16 में जाना है मेरे पास बिजी 3.4 चल रहा है अब मैं 16 को यूज़ कर रही हूँ तो उस सिचुएशन के अंदर ये कंपल्सरी नहीं होता कि हम 3.4 को रिमूव करें फिर 16 को इंस्टॉल करें क्योंकि 3.4 और 16 दोनों के दोनों डिफरेंट वर्ज़न है तो एक सिस्टम के अंदर डिफरेंट वर्ज़न हो सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट सेम वर्ज़न के डिफरेंट रिलीज़ नहीं होने चाहिए जटसे कि सिक्सटीन वर्जन का टू से मैं फाइव में आ गई हूँ तो मेरे पास टू ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है ना तो मुझे क्या करना होगा टू को कंट्रोल पैनल के अंदर जाके रिमूव करना होगा अब वो कैसे करना होगा ये हम प्रोसेस देखते हैं मैं स्टार्ट पे जाती हूं कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल के अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं प्रोग्राम्स एंड फीचर्स प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है बिजी सिक्सटीन फाइव पॉइंट टू ठीक है मैंने इस पर क्लिक किया ऊपर भी आ रहा है मेरे पास ऑप्शन अनइंस्टॉल का और मैं इस पर राइट क्लिक करके भी इसको अन इंस्टॉल कर सकती हूँ मैंने इस रिलीज़ को रिमूव कर दिया अब यहाँ पे ये यह पूछ रहा है फॉलोइंग एप्लीकेशन शुड बी क्लोज बिफोर कंटिन्यूइंग द इनिशियल हमारे पास यहाँ देखिए नीचे बिज़ी चल रहा है तो अगर हमारे पास बिज़ी चल रहा है तो हम उसको नहीं कर पाएंगे नहीं करेंगे अब मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया तो जो मेरी रिमूवल वाली प्रोसेस थी वो कैंसिल हो गई मैंने इसको एग्जिट किया मैं वापस आ गई फाइव पॉइंट टू पर मैंने राइट क्लिक करा अनइंस्टॉल पे क्लिक किया या पूछ रहा है आई यू वॉन्ट टू अनस्टॉल बिजी सिक्सटीन रिलीज फाइव पॉइंट टू आई सेड येस ठीक है यहाँ से बिजी सिक्सटीन फाइव पॉइंट टू रिमूव हो गया और जैसा कि आप देख रहे हो डेस्कटॉप से शॉर्टकट भी डिसपेयर हो गई है अब मेरे पास ये सेटअप है इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है बट अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए हमें हमारे पास दो साइट्स हैं डब्ल्यू 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 डॉट बिज़ी डॉट इन और दूसरी साइड है www.busywind.com/busydata www.busywind.com/busydata वेलकम टू डाउनलोड सेक्शन ऑफ बिज़ी यहाँ पे हमारे पास बिज़ी सिक्सटीन का जैसे कि फ़ाइव पॉइंट फोर रिलीज़ है लेटेस्ट रिलीज़ जो है मेरा यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो नीचे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी ठीक है ऐसे ही फोर्टीन वर्ज़न ट्वेल्व वर्ज़न और थ्री पॉइंट नाइन वर्ज़न इससे पुराने वर्जन इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो प्रोडक्ट लाइन में नहीं है ठीक है तो इसके लिए हम सपोर्ट भी अलाउ नहीं करते तो इसलिए वो हमने यहाँ से हटाए हुए हैं बाकी और कई सारी इसके अंदर चीज़ें हैं कस्टमाइजेशन है टैम्पलेट्स हैं है, जो भी आपको साइड से देखना हो वो आप चेक कर सकते हो ठीक है तो यहाँ से हम डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देंगे तो मेरे पास यही सेटअप आ जाएगा अभी मेरे पास ऑलरेडी सेटअप है तो मैं इसी को इंस्टॉल कर रही हूँ सेटअप पे क्लिक किया नेक्स्ट यहाँ पे मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती है तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस की कस्टमर्स को अगर परचेज करना है बिजी तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े और उसके बाद ही परचेज करें अगर कस्टमर को लगता है कि हाँ ठीक है देन आई विल क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट देन नेक्स्ट बाई डिफॉल्ट जो लोकेशन आती है दैट इज सी ड्राइव बिजी इट मीनस कि जिस ड्राइव में मुझे इंस्टॉल करना है बिजी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगी हमारा सी ड्राइव भिजिवेन बट मैं चाहती हूँ कि मुझे सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल नहीं करना मैं स्पेसिफाइड अपनी लोकेशन देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे सी की जगह मुझे डी ड्राइव देनी है ई ड्राइव देनी है जो भी ड्राइव डिफाइन करनी है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ मैंने क्लिक किया ओके देन नेक्स्ट इंस्टॉल जब एक सेटअप इंस्टॉल होता है ना तो इंस्टॉल होने पर कई सारे फाइल्स होती हैं जो कि उसके अंदर होनी चाहिए ठीक है तो जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस होती है तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर ये सारी फ़ाइल्स को चेक करता है कि वो फाइल्स हैं या नहीं है सेटअप का जितना साइज़ है उतना अवेलेबल होना चाहिए जैसे इसके अंदर सेवेंटी पॉइंट सेवन एम बी है ठीक है तो जब हम डाउनलोडिंग के प्रोसेस स्टार्ट करें लेट से कि डाउनलोड पूरा नहीं हुआ तो उस टाइम पर क्या होगा जब आप इंस्टॉल करोगे तो एरर आ जाएगी ठीक है तो उसमें क्या होता है कि सारी फाइल्स मिस सारी फाइल्स में से कुछ एक फाइल्स है जो कि मिसिंग है जिसकी वजह से डाउनलोड कंप्लीट नहीं हुआ है और दोबारा से हमें डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल करना होगा नाउ इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीट फिनिश अब यहाँ पे वापस एक डेस्कटॉप टॉप फोल्डर बन गया डिजी सिक्सटीन के नाम से ठीक है जब हम बिजी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास वेरियस ऑप्शंस आएंगे ओपन कंपनी क्रिएट कंपनी बैकअप डेटा री डेटा स्प्लिट फाइनेंशियल डिलीट कंपनी री इंडेक्सिंग सेट डेटा डायरेक्टरी सिलेक्ट बिजी मॉडल रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस मैनेजमेंट हेल्प वीडियोस तो ये जितने भी हमारे पास मेन्यूज हैं उन सबको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे ठीक है बट सबसे पहले जो है जैसा कि अभी हमने देखा कि जब हमने विजी को इंस्टॉल करा तो बाय डिफ़ॉल्ट किस में इंस्टॉल हुआ है वो सी ड्राइव के अंदर फिजिविन के अंदर अब पिजीविन के अंदर उसने एक डेटा नाम का फोल्डर बना दिया इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो कंपनी क्रिएट करने पर जो भी हमारे फोल्डर्स बनेंगे वो उसी फोल्डर के अंदर जाएंगे जैसे यहाँ पे आ रहा है सी विजिविन डेटा ठीक है बट मैं चाहती हूँ कि मुझे डेटा अपना सी ड्राइव के अंदर नहीं रखना रीज़न कि जब भी सिस्टम फॉर्मेट होता है तो सी ड्राइव का सारा डेटा हमारा उड़ जाता है तो मुझे सी ड्राइव के अंदर अपना डेटा नहीं रखना मैंने कहा कि मुझे डेटा अपनी दूसरी लोकेशन पर रखना है अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ सी ड्राइव में विजीविन विजिविन के अंदर देखिए ये सारी फ़ाइल्स सा आ गई है इसके अंदर सी एस पैकअप डेटा सिस्टम टाइम विजी सिक्सटीन हमारा ठीक है ये सारी फ़ाइल्स सा आ जाएगी अब ये जो डेटा फोल्डर है बाई डिफॉल्ट इसके अंदर क्रिएट हो गया मैंने कंपनी अगर क्रिएट करूंगी तो यहाँ पे कंपनी का जो कोड होता है क्रिएशन पर सी ओ एम पी सी ओ एम पी चार करेक्टर्स होंगे सी ओ एम पी और उसके बाद चार करेक्टर्स न्यूमेरिकल कंटिन्यूशन में स्टार्ट हो जाएंगे डबल ट्रिपल जीरो वन ट्रिपल ज़ीरो टू ऐसे कंटिन्यूशन में स्टार्ट हो जाएंगे तो जो भी मेरा डेटा अगर वो सी में रखा है डी में रखा है ई e में रखा है जिस भी लोकेशन पे स्पेसिफिकली रखा हुआ है वहाँ पे ये फोल्डर जो भी मैंने पाथ स्पेसिफाई करा है ये फोल्डर्स जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे जैसे मैं कंपनी क्रिएट करूँगी मैंने कहा कि मुझे ये डेटा यहाँ पे नहीं रखना मैंने इस डेटा फोल्डर को यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर पेस्ट कर दिया ठीक है अब मैं वापस बिजी में आ रही हूँ वापस बिजी में जा मैंने डी ड्राइव पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डेटा फोल्डर पे क्लिक करके ओके कर दिया ठीक है नाउ आई विल गो टू द ओपन कंपनी यहाँ पे हमने देखा कि जो डेटा डायरेक्टरी है वो डी ड्राइव के अंदर डेटा फोल्डर है तो अभी हमने कोई कंपनी क्रिएट नहीं करी तो इसलिए यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है ठीक है ये है थी हमारी डेटा डायरेक्टरी। अब मैंने कहा कि मुझे अभी ये हमने बात करी है सिंपल डेटा रखने की ठीक है मैंने ये कहा अभी आपको बताया कि बिजी हमारे जो है मॉडल्स के अंदर एक तो हमारा एक्सेस डेटाबेस है एक हमारा एसक्यूअल डेटा बेस है इसकी जो हम बात करें जो हमारी लैंड कनेक्टिविटीज चलेगा या फिर एक सिंगल यूज़र भी चलेगा वो हमारा एक्सेस डेटा बेस होगा और जब हम दूसरी लोकेशन पे हमें यूज़ करना है कि जैसे एक सिस्टम पे मेरा जो डेटा एक्सेस हो रहा है किसी और लोकेशन से मुझे उस डेटा को एक्सेस करना है स्टैटिक आई के थ्रू तो उसके लिए हमें अपने सिस्टम के अंदर एसक्यूअल डेटा एसक्यूअल डालना होता है और वहाँ पर क्या होता है एस्क्वर डेटा बेस वो क्या होता है एस्क्वर डेटा बेस तो एस्क्वर डेटा बेस के अंदर सर्वर की इन्फॉर्मेशन होती है कोई डेटा डायरेक्टरी का पाथ नहीं होता तो वो हम कैसे करेंगे उसके लिए हम पहले देखते हैं शॉर्टकट क्रिएशन जैसे बिजी की ये शॉर्टकट है ना क्लियर है ना ये क्या है बिज़ी की शॉर्टकट है मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं बिज़ी को ओपन करूँ तो मैं मॉडल वाइज ओपन करूँ मॉडल्स क्लियर है बी एस बी डी बी एम एस 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 डी एस एम ई एस ई डी ई एम नाइन मॉडल्स मेरे ये हो गए जो कि सारे के सारे कौन से हैं एक्सेस डेटाबेस के हैं बी स्टैंड फॉर बेसिक एस स्टैंड फ़ॉर स्टैंडर्ड ई ई स्टैंड फ़ॉर एंटरप्राइज ठीक है एस एस और की बात करती हूँ तो स्टैंडर्ड सिंगल यूजर एस डी की बात करती हूँ तो स्टैंडर्ड ड यूजर एस एम की बात करती हूँ तो स्टैंडर्ड मल्टी यूजर दीज आर ऑल ऑफ एक्सेस डेटाबेस बट अगर मैं एसक्वल डेटा बेस की बात करती हूँ तो एसक्वल डेटा बेस के अंदर आता है एस सी या ई सी एसटेंट्स फॉर सर्वर क्लाइंट एडिशन ई सी एंटरप्राइज क्लाइंट एडिशन ठीक है तो इन सब की मुझे शॉर्टकट क्रिएट करनी है मेरा अगर काम बेसिक में ही हो रहा है तो बेसिक में ही अगर मेरा काम हो रहा है तो मुझे बेसिक की शॉर्टकट क्रिएट कर सकती हूँ मैं कि मुझे बार बार जो है उसके अंदर स्पेसिफाई नहीं करना होगा ओपन करा मैंने बिजी वो बेसिक के नाम से हो जाएगा ठीक है या फिर मैं ये चाहती हूं कि जब मैं बिजी को ओपन करूं तो एक लाइन आ जाए कमांड लाइन उसके अंदर मैं स्पेसिफाई कर दूँ मुझे बी में ओपन करना है एस में ओपन करना है या ई में ओपन करना है तो मेरे बस ये आ जाए मैंने राइट क्लिक करा न्यू पे गई मैं शॉर्टकट डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया न्यू पे गई शॉर्टकट शॉर्टकट पे जाके मैंने यहाँ पे ब्राउज किया मेरा बिजी किस ड्राइव के अंदर इंस्टॉल्ड है सी ड्राइव के अंदर माय कंप्यूटर्स में गई मैं सी ड्राइव पे गए सी ड्राइव के अंदर बिजी विन बिजी विन में मुझे दिखाई दे रहा है बिज़ी सिक्सटीन ठीक है बिजी सिक्सटीन पे क्लिक किया ओके okay किया यहाँ पे ये सी ड्राइव बिजी विन स्लैश बिज़ी सिक्सटीन डॉट ई एक्सी ये आ गई अब मैं यहाँ स्पेस देकर मुझे जिस मॉडल में ओपन करना है मैं वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकती हूँ मैंने कहा कि वो एस एस में ओपन करे तो एक स्पेस देकर एस एस प्रेस कर, कर दूँगी मैंने कहा मुझे ई एम में ओपन करना है तो मैंने एक स्पेस दिया और ई एम लिख दिया ठीक है बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं स्पेसिफिकेशन यहाँ पर ना दूँ जैसे मैं क्लिक करूँ एक कमांड लाइन आए और उस कमांड लाइन पे मैं डिफ़ाइन कर दूँ दैट इज़ एस सी ई सी ई एम वट एवर बी देट तो मैंने यहाँ पे ई e एम को भी हटा दिया शिफ्ट के साथ ये जो है मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया ठीक है मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया नेक्स्ट पे क्लिक किया बिजी सिक्सटीन फिनिश एक ये शॉर्टकट मेरी बनी हुई थी पहले से एक ये वाली बनी है बिजी सिक्सटीन अब देखिए यहाँ पे क्या आ गई स्पेसिफाई कमांड लाइन ये कमांड लाइन किससे आई है एक क्वेश्चन मार्क लगाने से मैं एक बार स्टेप्स रिपीट कर रही हूँ डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है न्यू पे जाना है शॉर्टकट पे जाना है शॉर्टकट पे जाके मुझे बिजी की जो फाइल ई फाइल है उसका पाथ देना है बिजी सिक्सटीन का और एक स्पेस देकर मैं एक स्पेसिफाई मॉड्यूल डिफाइन करना चाहती हूँ तो मैं वो मॉड्यूल डिफाइन कर दूंगी और अगर मुझे ये कमांड लाइन चाहिए तो मैंने स्पेस प्रेस करा और क्वेश्चन मार्क लगा दिया ठीक है अब यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे ओपन करना है ई में ठीक है EC stands for Enterprise Client Edition. यहाँ पे आ रहा है यूजर नेम इज़ रिप्लेसड विद एस ए आई सेड ओके सर्वर इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल क्योंकि मेरे इस सिस्टम पे सर्वर इंस्टॉल नहीं है मुझे एस में डेटाबेस एक्सेस करने के लिए एस को इंस्टॉल करना होगा ठीक है सेट सर्वर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डेटा उसने ऑटोमेटिकली ले लिया एम एस एस क्यूल क्योंकि एंटरप्राइज़ क्लाइंट एडिशन है जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि जो ई और एस होता है उसमें हमेशा एस अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए डेटा बेस इज़ एम एस एस क्यूल सर्वर नेम मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है जब हम एस डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम पर हमें सर्वर नेम स्पेसिफाई करना होता है ठीक है यहाँ पे मैंने सर्वर नेम स्पेसिफाई करना है जैसे जिस लोकेशन पे मेरा जो मैंने सर्वर बनाया है सर्वर को हम मिक्स मोड में इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्व कंप्यूटर का नाम होता है उसमें वो इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे मैं सर्वर का नेम स्पेसिफाई कर दूँगी ठीक है सर्वर नेम स्पेसिफाई करने पर यूज़र आई है मेरी ऐसे यूज़र आई जो है ये है सर्वर ऑथेंटिकेशन ये हमेशा ऐसे ही रहेगी सर्वर ऑथेंटिकेशन में ही रहेगा और यहाँ पर मुझे सर्वर का पासवर्ड डिफ़ाइन करना है क्लियर है लेट्स से कि मेरे सिस्टम का नाम है कॉन्फ्रेंस तो सर्वर नेम में क्या आएगा हमेशा कॉन्फ्रेंस आ जाएगा ठीक है और पासवर्ड के अंदर क्या आएगा जो मैंने पासवर्ड स्पेसिफाई किया हुआ है वो पासवर्ड हो जाएगा इसकी इसका मीनिंग क्या है सर्वर नेम और पासवर्ड का बेसिकली स्पेसिफिकेशन ये होती है कि जब हमने एस इंस्टॉल किया तो एस तो क... सब इंस्टॉल करते हैं अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा डेटा कहाँ रखा हुआ है एसक्यूएल तो सभी इंस्टॉल करते हैं आपने भी इंस्टॉल किया होगा मैंने भी इंस्टॉल कराया है आप भी इंस्टॉल करोगे तो हम जब इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि हमारा सर्वर नेम ये है और पासवर्ड ये है ठीक है तो सर्वर नेम और पासवर्ड डिफाइन कर देंगे हम और सेव कर देंगे ठीक है अभी इसमें सर्वर एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे कोई सर्वर नेम और पासवर्ड नहीं है इसका वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे सेव कर देंगे जब हम ओपन कंपनी पे जाएंगे तो हमारे पास कंपनीज आ जाएगी जो जो इस सर्वर पे हमने बनाई हुई है ठीक है ये सर्वर क्लाइंट एडिशन और एंटरप्राइज क्लाइंट एडिशन की हम बात करेंगे आगे अभी हम नॉर्मल बेसिक फ़ीचर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर ये नहीं है आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हमारे को एस्क इंस्टॉलेशन सिखाया जाएगा जब हम एस्क इंस्टॉलेशन सीखेंगे तो उस टाइम पर एस्कोल इंस्टॉल करने पर हम सर्वर की इन्फॉर्मेशन देके अपनी कंपनीज़ को ओपन कर सकते हैं ठीक है सिंपल सिर्फ इतना ही करना है जैसे हम एक्सेस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए डेटा डायरेक्टरी वो सेट करते हैं ना ऐसे एसक्यूएल डेटाबेस बेस को सेट करने के लिए हमें यहाँ पे सर्वर की इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करनी होगी क्लियर है कोई कंफ्यूजन ठीक है हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है जो हमें यहाँ पे सर्वा इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई करनी होती है या डेटा डायरेक्टरी सेट करनी होती है तो अभी हम ई और एस को अवॉइड करते हैं अब हम चलते हैं अपने डेमो मोड पर मैंने इस पर ओपन किया हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं बेसिक एडिशन के ऊपर तो मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं मैंने कहा कि बी ओपन करना है मुझे अब जब हमने बी एस में ओपन किया तो यहाँ पे ये यह क्या शो कर रहा है कुड नॉट चेक सिक्योरिटी ठीक है अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड ये हमें शो करेगा डेमो मोड में क्योंकि हमारे पास जो होता है थर्टी डेज का एक ट्रायल वर्जन होता है अगर हमें बिजी को परचेज करना होता है तो उसके लिए हमें हार्ड लॉक या सॉफ्ट लॉक की चाहिए होती है हार्ड लॉक क्या होता है हमारा डोंगल ठीक है उसके लिए हमें एक डोंगल चाहिए होता है उस डोंगल के अंदर हमारी एक लाइसेंस की होती है जिसके थ्रू हम उसकी सिक्योरिटी को चेक करवाते हैं क्योंकि अगर हमारा ये फ्री होगा नॉर्मली कभी भी हम कितनी भी एंट्रीज़ को पास ऑन कर सकते हैं तो तो कोई भी यूज़ करेगा फिर तो सॉफ्टवेयर को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना तो हमने क्या करवाया है जिससे कस्टमर उसको चेक भी कर सके और हम अपना सेल भी कर सके हमने एक डेमो एडिशन बनाया हुआ है जो कि थर्टी डेज़ की एक ट्रायल कॉपी होती है हमने इसको साइट से डाउनलोड करा डाउनलोड करने के बाद हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये हमारे पास डेमो कॉपी शो कर देगा इसके अंदर हम 30 डेज़ तक एंट्री कर सकते हैं 30 डेज़ या 300 हंड्रेड वाउचर्स फीट कर सकते हैं ठीक है वो हमने काम करा थर्टी डेज के बाद अगर हम इसमें काम करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा कि ये थर्टी डेज आपका जो टाइम पीरियड है एक्सपायर हो गया है अब उसके बाद हमें क्या करना होगा परचेस करना होगा ठीक है अब हम परचेस करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है हार्ड लॉक और सॉफ्ट लॉक अब हार्ड लॉक क्या है और सॉफ्ट लॉक क्या है हार्ड लॉक की अगर हम बात करते हैं जो हमारी लाइसेंस की होती है एक डोंगल के अंदर होता है डोंगल कैसा होगा जैसे एक पेन ड्राइव होती है इसी तरीके से एक डोंगल होता है जिसके अंदर एक लाइसेंस की होगी सिग्नेचर फाइल होती है जिसके थ्रू उसको वो सिक्योरिटी चेक करता है और हम उसके अंदर थ्रू आउट द थ्रू आउट द लाइफ काम कर सकते हैं ठीक है उसके बाद कोई बाउंडेशन नहीं है एक वर्ज़न को हम यूज़ कर सकते हैं बट मेरा डोंगल खो गया तो फिर क्या होगा डोंगल खो गया आपको दोबारा परचेज़ करना पड़ेगा ना अब कस्टमर कहते हैं कि अब ऐसे तो हम डोंगल जो होता है एक नॉमल पेनड्राइव काइंड की होती है हम कहीं भी जाते हैं तो वो मिसप्लेस हो सकता है अब उसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं थर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट लगी हुई होती है वो ख़त्म हो गई तो उसके लिए हमने उनको ऑप्शन दिया है कि आप सॉफ्ट लॉक भी यूज़ कर सकते हो सॉफ्ट लॉक क्या होता है कि जैसे कि मैं इस सिस्टम पर यूज़ कर रही हूँ ठीक है अगर मुझे एक सिस्टम स्पेसिफाइड है कि मुझे इस सिस्टम पे यूज़ करना है तो इस सिस्टम पर एक सॉफ्टवर्क की हो जाएगी लाइसेंस की एक्टिवेशन की दी जाएगी जो आपकी हार्ड डिस्क के साथ वो पाइंड हो जाएगी ठीक है आपको सॉफ्टवर्क के थ्रू एक एक्टिवेशन की मिलेगी जो कि आपके सीरियल नंबर को वैलिडेट करेगी ठीक है अब वो सीरियल नंबर मुझे मिल गया और एक लाइसेंस की मिल गई मुझे मैंने उस लाइसेंस की को और सीरियल नंबर को अपने सिस्टम पे रजिस्टर कर दिया ठीक है अब ये जो मेरा सिस्टम है इस सिस्टम पे मैं काम कर सकती हूँ मुझे कोई डोंगल की रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है अब मैं बात करूँ कि मैंने इस सिस्टम पे कर दिया अब मेरा ये सिस्टम ख़राब हो गया ठीक है अब ये सिस्टम ओपन ही नहीं हो रहा मेरा मैं क्या करूँ इसके लिए क्या करना होगा क्या मुझे दोबारा से डोंगल परचेस करना होगा या दोबारा से की किए परचेज़ करनी होगी नहीं उसका हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि, कि किसी भी सिस्टम से ज़रूरी नहीं है कि वो सिस्टम आपका ओपन होना होगा मान लीजिए आपका सिस्टम ही नहीं ओपन हो रहा तो हम क्या करेंगे ऐसा तो नहीं है ना फिर हमारा कि काम सफ़र करना चाहिए तो हमारे पास एक एक्टिवेशन की होती है और एक सीरियल नंबर होता है जो हमारी हार्ड डिस्क बाइंड होती है तो हमने क्या करा दूसरे सिस्टम पे गए दूसरे सिस्टम पे जाकर सरेंडर कर दिया ठीक है कि उस सिस्टम से सरेंडर होकर अब हम क्या करेंगे नए सिस्टम पे उसको रजिस्टर कर सकते हैं तो उससे हम सेफ साइड पे रहते हैं जिसका फिक्स है कि मुझे इसी सिस्टम पे काम करना है मुझे कहीं मूव नहीं करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे उनके लिए तो एक सिस्टम पे रजिस्टर होना इनफ है ना इन केस ये तो इन केस की सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसमें क्या होगा हम दूसरे तो सिस्टम पे काम कर सकते हैं ठीक है अब इसमें यह भी इशू आता है कई बार क्या होता है कि हमने सिस्टम फॉर्मेट करवा दिया उसके अंदर ठीक है तो सिस्टम फॉर्मेट करवाने पर हमारे पास बिजी इनके अंदर ना एक फ़ाइल होती है उस फाइल के थ्रू ही ये सिक्योरिटी चेक करता है सॉफ्टलुक के अंदर क्या होगा एक फाइल होगी जो फाइल हमारे पास बिजीविन फोल्डर के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए उससे ये सिक्योरिटी चेक कर लेगा ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट यही है बट अभी जो प्रोसेसिंग है लाइसेंस मैनेजमेंट की किस तरीके से हमें रजिस्टर करना है क्या क्या उसकी प्रोसेस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे हार्ड लोक और सॉफ्ट लोक के बीच में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है क्या उसके एडवांटेज है और क्या उसके डिसएडवांटेज है ठीक है वो क्लियर है अब हम नेक्स्ट जो अभी हमने डिस्कस किया था पहले कि हमारे कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं इलेवन मॉड्यूल्स हैं हमारे पास अब कैसे उसको अपग्रेड करना है और कैसे उसे अपडेट करना है वो भी क्लियर हो चुका है 3.4 से मुझे डायरेक्टली 16 में जाना है तो मुझे अपग्रेडेशन में जाना है और अगर मेरे पास 16 का कोई रिलीज चल रहा है तो मुझे उसके लिए अपडेट करना है अपग्रेडेशन और अपडेट में कोई डिफरेंस तो कोई क्लियर कोई इशू तो नहीं है क्लियर है